जामनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर तालुक्यातील फत्तेपूर येथे मुस्लिम धर्मियांच्या पवित्र अशा रमजान महिन्यानिमित्त रोजा इफ्तार पार्टीचे आयोजन करण्यात आले होते। फत्तेपूर परिसरातील कायम सामाजिक बांधिलकी जपणारे सामाजिक कार्यकर्ते संजय चौधरी यांच्या वतीने या इफ्तार पार्टीचे आयोजन करण्यात आले असून या रोजा इफ्तार पार्टीला पहूर पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक प्रतापराव इंगळे तसेच गावातील काही प्रतिष्ठित नागरिक आणि हिंदू मुस्लिम बांधव उपस्थित होते। हिंदुस्तान है, अल्लाह ताला ने हमें भारत में पैदा किया, यह हम मिलजुल के रहते हैं, एक दिल से रहते हैं। अल्लाह ताला ने आपको, मुझको, सारे लोगों को अलग अलग जात का, अलग अलग धर्म का, अलग अलग नाम का बनाया जरूर है, लेकिन हमको एक जगह अल्लाह ने लाया, ये भी अल्लाह का शुक्र है। अब इस पर भी एक शेर सुन लो, नाम और पते लोगों ने नफरत के कांटे डाले थे जहां पर, लोगों ने नफरत के कांटे डाले थे जहां पर, मोहब्बत के वहां फूल खिल गए। लोगों ने नफरत के कांटे डाले थे जहां पर, मोहब्बत के वहां फूल खिल गए, जलने वाले जल गए, हिंदू मुसलमान मिल गए। जलने वाले जल गए, हिंदू मुसलमान मिल गए। नाम और पते अलग है हमारे, संजू भाई है, शकील है, मारवाड़ी साहब है, मुसलमान है, हिंदू है, अमुक है, धमुक है। नाम और पते अलग है हमारे, लेकिन खून के रंग तो मिल गए। नाम और पते अलग है हमारे, लेकिन खून के रंग तो मिल गए। जलने वाले जल गए, हिंदू मुस्लिम मिल गए। तो अल्लाह ताला ने ये रमजान का महीना दिया है। संजू भाई ने बहुत मालूमात की बातें बतलाई, अल्हम्दुलिल्लाह के आखिरी अशरा चल रहा है। कई मुसलमानों को भी पता नहीं होगा भाई कि अशरा किसे कहते हैं, जो बयान सुनते हैं उनको ही मालूम है कि अशरा बोले तो एक महीने के तीन हिस्से, अशरा बना सर दस से, दस दस दस, ये तीन अशरे। तो पहला अशरा चला गया, दूसरा चला गया, तीसरा चल रहा है। यहाँ पढ़े लिखे टीचर लोग बैठे वो इसलिए सरा ला रहे हैं कि सबको पता नहीं होता अशरा क्या होता है, एहतिकाद भी सबको पता नहीं, संजू भाई ने बताया है। भाई सही बोले गलत, कई मुस्लिम को पूछ लिया जाए एहतिकाद क्या होता, मुझे नहीं पता, वो सुनता ही नहीं कभी इसको। तो 10 दिन का एहतिकाफ होता है, मस्जिद में ठहरना होता है, सारे रिश्तेदारी सारे कारोबार छोड़ दो, अल्लाह के लिए अल्लाह के घर में एक कोने में पड़े रहो, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से प्यार करो, अल्लाह से मांगो। और रमजान के मानी होते सर, रमजान यानी अरबी का लफ्ज है जल जाना। इस महीने में इंसानों के पाप अल्लाह जला देता है, माफ कर देता है, इसलिए इसे रमजान कहते। रोजे का अर्थ है रुक जाना, रोजा रुक जा, से खाने पीने से भी रुक जा, गलत देखने से भी रुक जा। रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं कि खाना छोड़ दिया रोजा हो गया, नहीं, बल्कि जैसे खाना खाने से पानी पीने से रुका है, इसी तरह गलत देखने से आंखों को रोको, आंखों का भी रोजा, मुंह का रोजा, जबान का रोजा, हाथ का रोजा, पैर का रोजा। इसके बारे में आता है कि अगर कोई आदमी तुमसे झगड़ा करे तो उसको बोलो कि भाई रमजान चल रहा है। सभी हजरत भाई को मैं पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आने वाली ईद मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मंच पर उपस्थित हुए ज्येष्ठ वकील श्री नाना प्राचार्य, बहुत महत्व बताया है, पर मुझे जो बताया गया है, मैंने जो पढ़ा है, इसी पाक रमजान महीने में कुरान शरीफ जी का आगमन इस धरती पर हुआ है। अल्लाह ताला ने जो कुरान शरीफ हमारे लिए भेजा है, तो अल्लाह ताला को रबील कहा गया है, रबील अलमीन कहा गया है, रबील अलमीन कहा गया है। तो अगर अल्लाह ताला कोई मुस्लिम का रहता था, मुसलमान समाज का रहता था, तो रबील मुस्लिमीन कहा जाता था, तो ऐसा तो नहीं कहा गया। तो ये सबका अल्लाह ताला है, ये धरती पर जितने जीवन है ये सबका अल्लाह ताला है, और ये सब पृथ्वी का, ये ब्रह्मांड का मालिक है, ये सब पृथ्वी वगैरह जो है ये सब का मालिक है। और कुरान शरीफ जी में ये लिखा है, आयत 13 में लिखा है, अदुमिल्लाही रबिल अलमीन, ऐसा लिखा है। तो ये सबका है, ये आलम, ये रब, ये सबका है, और ये सबका दाता है, सबका विदाता है, और उन्होंने सबको दिया है। आप
जबरदस्ती आप उसको बांट नहीं सकते। तो ऐसा इस 5 महीने का महत्व है। और जो कुरान शरीफ जी अपने लिए अल्लाह ताला ने भेजा है तो उनके प्रेषित मोहम्मद जिब्राइल साहब, उनके माध्यम से ये मोहम्मद पैगंबर साहब के तरफ पहुंचा गया। उनके पास 23 साल तक रहा। उनका इंतकाल 40 साल में प्रेषित होने के बाद में ये आम जनता के लिए, आप सबके लिए ये कुरान शरीफ जी पृथ्वी पर आ गए। अभी तो देखो पूरे जग में, पूरे वर्ल्ड में हर उसका ट्रांसलेशन हुआ है, सब भाषा में, सब उसका, सब विद्यापीठ में, सब भाषा उसके अंदर सब पढ़ते हैं। और उसके अंदर यही लिखा है कि अपने इंसान ने कैसा जीवन बिताना चाहिए, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, जानवर है उनके साथ भी कैसा व्यवहार करना चाहिए, छोटे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और जब पृथ्वी पर कोई संकट आता है तो उस संकट में क्या करना चाहिए, ये भी लिखा है, आप पढ़ लीजिए। उसके अंदर जीवन का पूरा असर लिखा है। ये बनाने वाले ने हमें अलग नहीं बनाया, पर कुछ दुनिया के लोग है जो हमें अलग अलग करना चाहते हैं। कुछ लोग है अलग अलग, पर वो कभी कामयाब नहीं होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ रमजान में तू मेरे रमजान का राम, रमजान में राम है, तू मेरे रमजान का राम है, मैं तेरे दिवाली का आली, तू मेरे रमजान का राम है, मैं तेरे दिवाली का आली, जब हम दोनों साथ में रहेंगे तो पूरे मुल्क में खुशहाल ही खुशहाल। अशा ठिकाणी हमारा एक उपक्रम किंवा आमचा हा वेळ मिळाला की रोजेदार बंधू या शेवटच्या आश्रयामध्ये येथे काफमध्ये येऊन आम्ही त्यांची सेवा करू शकतो, थोडीशी का होईना, एक फूल ना फुलाची पाकळी, परंतु या ठिकाणी आमचे रोजेदार बंधू आम्हाला या ठिकाणी दिसलेत, या ठिकाणी त्यांची आमच्या समोर भेट झाली, हा आमच्यासाठी एक आमच्या मोलाचा, आमच्या भाग्याचा क्षण आम्ही असं समजतो। कारण मी माझ्या आयुष्यामध्ये असं बघितलेलं आहे की रोजेदार काय साधं काम नाही, एवढा तापत उन्हात 16 तास 14 तास बिगर पाणी आणि त्याच्याही नमाज अदा करणे, ती नमाज साधी नव्हे, 7 असऱ्याची नव्हे, ती 37 आयरा काय ते मला काय खूप काही माहीत नाही, परंतु इतक्या वेळेस त्याचा 2-2 तास 1.5-1.5 तास ची नमाज झुकून एवढी नमाज करणे, एवढं सगळं काही करणे साधारण बाब नव्हे। पाणी न पिता एवढं सगळं करणं, 1 महिनाभर हे सगळं करणं आणि त्याच्यातही आपलं या सगळ्या गोष्टींवर लक्ष ठेवणं, हे एक महत् काम या लोकांकडून घडतं आणि ते लोक माझ्या दारी पाय लावतायत, हे माझं महत् भाग्य, हेच मला एक खूप आनंदाची बातमी आहे, एक आनंदाची गोष्ट माझ्या मनाला त्या ठिकाणी लागते। बंधूंनो, मी हे माझं खरंच भाग्य समजतो की आज मला हा उपक्रम करण्याचा भाग्य मिळालं, कारण हा उपक्रम करून तुमच्या सारखे लोक या ठिकाणी हजर झालेत हे माझं भाग्य आहे। कारण उपक्रम करणे, खर्च करणे हा विषय नाही, परंतु आमच्या भाग्यामध्ये हे होतं की तुमचे पाय या ठिकाणी एवढ्या पुण्यवान लोकांनी लावलेत हे आमच्यासाठी। कारण ठीक आहे, मुस्लिम कंपनीमध्ये रोजा हा अत्यंत महत्वाचा, हिंदू धर्मामध्ये तपश्चर्या अत्यंत महत्वाची, महावीर देव मारवाडी कंपनीमध्ये 31 उपवास हे महत्वाचे असतात, परंतु हे सगळं तपश्चर्याचे परमेश्वराकडे जाण्याचा एक मार्ग असतो आणि परमेश्वराने सगळ्यांनी दिलेला एक मार्ग, त्या ठिकाणी कशा पद्धतीने तुम्ही स्पर्धा असते ती, तुम्ही कशा पद्धतीने परमेश्वराकडे पोहोचू शकतात, तो त्या धर्माचं पालन करून आपण आपला धर्म निभवतो, त्या धर्मामध्ये निभवल्यानंतर आपण हे सगळे कार्यक्रम करतो। आणि याच कार्यक्रमांना सगळ्यात महत्वाचं बंधूंनो की खरोखर रमजान हा एवढ्या करतात पवित्र महिना दिलेला आहे की त्या ठिकाणी इबादत करणे अरे मी खरंच म्हणतोय, मला आता हा आम्हालाही आता हळूहळू समजायला लागला आमच्या हिंदू बांधवांना की इबादत कशी होती आहे, किस तरीके से हमारे भाईजान किस तरीके से इबादत करते हैं, किस तरीके से ये उपवास करते हैं,
क्योंकि अभी मीडिया बहुत आगे बढ़ गई है और मीडिया के जरिए हमें ये सब मालूम होता है क्या भाई आखिरी दिन में आखिरी अस्त्रा में आप मस्जिद में रहना चाहिए। जो लोग रोजा पकड़ते हैं तो उनको इबादत करना पड़ती है, ये भी हमें अच्छी लगती है कि भाई भगवान से अल्लाह से जितना प्यार करना है उतना कर लो, जितना अपना दिल खुला करना है उतना कर लो। ये रमजान पढ़ाता है, ये हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हर धर्म में ऐसा ही होना चाहिए कि जो आप कर रहे हो अब भगवान ही सबसे ऊपर वाला है, इसके सिवा कोई नहीं है। और हम हो हिंदू तो हम हमारे तरीके से करेंगे, आप हो आप आपके तरीके से करोगे, जो अलग से होगे वो अलग से करेगा, लेकिन जो या बातमी तिथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा, तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोरवरील JBN News ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार।